हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा सा ब्लूटूथ स्पीकर बनाएंगे जो कि मेरे घर में जो प्लास्टिक का कवाड़ा पड़ा था मैं इससे बनाऊंगा। तो सबसे पहले देख सकते हो, तो यहाँ पर मेरे पास एक 4 ओम का 3 वाट का स्पीकर है जो कि मैं मार्केट से लेकर आया था 80 रुपये में, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ PVC शीट को कट करके राउंड शेप में कट कर चुका हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हो, तो एक MDF बोर्ड को कट किया हूँ जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा स्पीकर को फिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको फिक्स करने के बाद उसके अंदर जो सर्किट वगैरह है उसको कनेक्शन अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो इसके बाद देख सकते हो, तो यहाँ पर एक चार्जिंग मॉड्यूल है जो कि इसको BMS भी बोलते हैं, जो 5 वोल्ट से चलता है, ठीक है। तो उसके बाद हमको यहाँ पर एक DC सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि चार्जिंग के लिए थोड़ा एक्सटर्नल की ज़रूरत होता है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पर हमको एक ऑडियो सर्किट की ज़रूरत है जो कि 5.8403 के एम्पलीफायर के मॉड्यूल है। उसके बाद हमको यहाँ पर एक ऑक्स केबल की ज़रूरत पड़ेगा जो कि हम ये स्पीकर को ऑक्स केबल में बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक ऑन ऑफ के लिए स्विच, उसके बाद एक लिथियम बैटरी है जो कि मैं मार्केट से 30 रुपये में खरीद के लेकर आया था, और ये बड़ा वाला आपको लैपटॉप की पुराने शॉप में मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास एक PVC शीट का एक राउंड शेप का पाइप है, उसके बाद इसे देख सकते हो, ये पीछे और आगे का ढक्कन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो, यहाँ पर जो MDF बोर्ड का जो पीस था उसको इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्पीकर को अच्छे तरीके से चिपका देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ग्लू गन का यूज़ करूँगा इसको चिपकाने के लिए। देख सकते हो, अभी हमारा स्पीकर बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पाइप के अंदर हमारा स्पीकर को भी यहाँ पर कनेक्शन वगैरह तो नहीं किया हूँ लेकिन यहाँ पर फिक्स कर चुका हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, उसका जो कनेक्शन वगैरह है उसको भी चलिए पहले कर लेते हैं। तो देख सकते हो, यहाँ पर 2 स्पीकर लगाने के लिए जगह है, तो हम क्या करें, 1 स्पीकर तो लगाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखते हुए 1 स्पीकर को कनेक्शन कर लेंगे और दूसरी वाला जो वायर है मैं इसको निकल लूँगा क्योंकि ये जो मॉड्यूल है ये मैं पहले एक सर्किट बनाया था तो उससे ही निकल कर लेकर आया था, तो इसलिए यहाँ पर एक 2 वायर यूज हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हो, यहाँ पर मैं 2 वायर निकल चुका हूँ। उसके बाद देख सकते हो, यहाँ पर 2 वायर रेड और ब्लैक दिख रहा है, तो ये क्या है कि हमारा जो प्लस और नेगेटिव, प्लस और माइनस के लिए यहाँ पर यूज होता है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। तो उसके बाद देख सकते हो, अभी हमारा कनेक्शन बिल्कुल हो चुका है। तभी क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा स्विच को अच्छे तरीके से यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमारा DC सॉकेट जो था उसको भी फिक्स कर लेंगे। उसके बाद अभी जो भी कनेक्शन वगैरह हो मैं आपको आगे बताते रहूँगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ऐसे ऐसे मस्त वीडियो यहाँ पर मिलता रहता है। और जो भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो देख सकते हो, यहाँ पर चार्जिंग मॉड्यूल भी अच्छे तरीके से यहाँ पर फिक्स हो चुके हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑडियो एम्पलीफायर का जो वायर था इसको भी यहाँ पर पहले फिक्स कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं बैटरी को पहले कनेक्शन कर चुका हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका जो मॉड्यूल है इसको कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल का एक जो वायर देख सकते हो, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्विच में लगाएंगे, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं पॉजिटिव को एक क्या करता हूँ, एक स्विच में कनेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद जो मॉड्यूल का जो पॉजिटिव है इसको भी एक स्विच के साथ कनेक्शन कर देना है, ठीक है। तो अभी हमारा ये हो जाएगा, अभी उसके अंदर मतलब ऑन ऑफ के लिए जो हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ऑक्स केबल के जो वायर है इसको भी कनेक्शन कर लेंगे। तो ऑक्स को तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लैपटॉप का पुराना बैटरी को यूज भी कर सकते थे, वो भी थोड़ा अच्छा बैकअप देता है, लेकिन ये हम थोड़ा छोटा बनाएंगे तो इसके हिसाब से ये थोड़ा मतलब लैपटॉप बैटरी इसके लिए सही नहीं होगा। तो देख सकते हो, यहाँ पर बहुत ईजी कनेक्शन था, तो यहाँ पर मैं क्या किया, जो ऑक्स केबल था मैं इसको कनेक्शन कर चुका हूँ, ठीक है। तो उसके बाद देख सकते हो, अभी हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अभी चलिए इसको फिक्स कर लेते हैं। अभी देख सकते हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स हो चुका है। तो चलिए अब इसको टेस्ट भी करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हो, यहाँ पर मैं चार्जिंग लगा कर भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चार्जिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर होता है, जैसे चार्ज होगा तो यहाँ पर रेड कलर का LED ब्लिंक करेगा, ठीक है। दोस्तों ये पॉकेट स्पीकर है, आप इसको कहीं भी जाकर लेकर जा सकते हैं, और ये रिचार्जेबल है, बहुत ही अच्छा साउंड है। तो अभी चलिए इसको सुना कर भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। Oh.